हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू बेदा विद बेक सर यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए और बेदा विद बेक सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसने भी बेदा विद बेक सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक मोटिवेशन थॉट। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो चलिए, आज का सेशन करते हैं हम अपना स्टार्ट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है। जो हमारी प्रमुख तीन चट्टानें होती हैं, आग्नेय चट्टानें और अवसादी चट्टानें और रूपांतरित चट्टानें। तो ये बताइए कि जो हमारी जैविक चट्टानें होती हैं वो किस प्रकार की चट्टानों के अंतर्गत आती है। फर्स्ट ऑप्शन है कोर्टजाइट चट्टानें, सेकंड ऑप्शन है संगमरमर चट्टानें, थर्ड ऑप्शन है कोयला चट्टानें, फोर्थ ऑप्शन है ग्रेनाइट चट्टानें। तो जल्दी से कमेंट में आंसर बताइए और सभी लोग सेशन को लाइक कर लीजिए। तो इसका सही आंसर क्या है हमारा, इसका सही आंसर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या इसका सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हमारी जैविक चट्टानें होती हैं वो कोयला चट्टानों के अंतर्गत आती हैं। किनके अंतर्गत आती हैं? तो कोयला चट्टानों के अंतर्गत आती हैं जो हमारी जैविक चट्टानें होती हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, इसको जल्दी से रीड कीजिए और कमेंट में इसका आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी शैलों का योगदान कितना परसेंटेज है। जो हमारी अवसादी चट्टानें हैं उनका जो भूमि के पृष्ठ को बनाने में कितने प्रतिशत का योगदान है। तो पहले हमारी आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ था जब तप्त पृथ्वी के ठंडे होने से हमारी आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ था। फिर आग्नेय चट्टानों के हमारी अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ। किसका? अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ। और ये चट्टानें कैसी होती हैं? तो ये अवसादी चट्टानें हमारी परतदार चट्टानें होती हैं, परतदार। इसमें जीव जंतु पाए जाते हैं। किसमें? अवसादी चट्टानों में जीव जंतु पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। और जो हमारी रूपांतरित चट्टानें होती हैं वो अवसादी चट्टानें या आग्नेय चट्टानें के ही रूपांतरण से ही बनती है, इसलिए हम उन्हें रूपांतरित चट्टानें कहते हैं। तो इसका क्वेश्चन आंसर बताइए कि भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी शैलों का योगदान कितना प्रतिशत है। फर्स्ट ऑप्शन है 90%, सेकंड ऑप्शन है 80% और थर्ड ऑप्शन है 10% और ऑप्शन है 5%। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कि इसका सही आंसर क्या है हमारा, कि पृथ्वी के पृष्ठ को बनाने में जो अवसादी चट्टानें हैं उनका कितना हुआ। जय श्री कृष्णा दी, जय श्री कृष्णा, पूजा कुशवा, राधे राधे दीदी, राधे राधे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या, 90%। भूपृष्ठ को बनाने में अवसादी चट्टानों का योगदान कितना है, तो 90% है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, इसको जल्दी से रीड कीजिए और कमेंट में इसका आंसर बताइए। भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका हुआ है। जो हमारे पृथ्वी का ऊपरी परत होती है पृथ्वी की, वो अवसादी चट्टानों से कितने प्रतिशत ढकी हुई है। फर्स्ट ऑप्शन है 75%, सेकेंड ऑप्शन है 65%, थर्ड ऑप्शन है 70% और फोर्थ ऑप्शन है 90%। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए किसका सही आंसर क्या है हमारा। जो हमारी पृथ्वी का धरातल है उसका जो भाग है वो कितने प्रतिशत अवसादी चट्टानों से ढका हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, पृथ्वी का 75% भाग अवसादी चट्टानों से ढका हुआ है। किन से ढका हुआ है? अवसादी चट्टानों से पृथ्वी का 75% भाग ढका हुआ है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, इसको जल्दी से रीड कीजिए और कमेंट में इसका आंसर बताइए। धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक में से निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है आग्नेय चट्टान है, सेकेंड ऑप्शन है अवसादी चट्टान है, पूर्व ऑप्शन है कायांतरित चट्टान और पूर्व ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका कमेंट में आंसर बताइए कि इसका सही आंसर क्या है हमारा, कि धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, क्या अवसादी चट्टान है। ऑप्शन बी इसका हमारा बिल्कुल सही आंसर है कि धरातल के सर्वाधिक भाग पर अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, इसको जल्दी से रीड कीजिए और कमेंट में इसका आंसर बताइए। जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेषों जानवरों वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है आग्नेय चट्टान, सेकेंड ऑप्शन है अवसादी चट्टान, थर्ड ऑप्शन है कायांतरित चट्टान और पूर्व ऑप्शन है अधिवितलीय चट्टान। तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताइए कि जो जानवर वनस्पति सूक्ष्म जीव के अवशेष पाए जाते हैं वो हमें किस प्रकार की चट्टानों में मिलते हैं? आग्नेय चट्टानों में मिलते हैं। तो आग्नेय चट्टानों का निर्माण पृथ्वी के, जब पृथ्वी हमारी तप्त हो रही थी तो उसके ठंडे होने से हमारी आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। और अवसादी चट्टानों की बात करें तो आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण या उसकी चरण या निक्षेपण से ही हमारी अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। ये हमारी किस प्रकार की चट्टानें होती हैं? तो ये हमारी परतदार चट्टानें होती हैं, इन्हें हम परतदार चट्टानें भी कहते हैं। इनमें जानवर जीव जंतु आदि के अवशेष पाए जाते हैं तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा कि अवसादी चट्टानों में जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष पाए जाते हैं। तो इसका बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, इसको जल्दी से रीड कीजिए और कमेंट में इसका आंसर बताइए। भूगर्भ में विशाल आकार की गुमदाकार आग्नेय चट्टान को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? जो पृथ्वी के गर्भ में विशाल आकार की एक गुमदाकार आग्नेय चट्टानें पाई जाती है उसे हम एक और किस नाम से जान सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है बियोलिए, सेकेंड ऑप्शन है लिकोलित और थर्ड ऑप्शन है फेकोलित और फोर ऑप्शन है टोफोलित। तो जल्दी से बताइए ये हमारा क्या है? बियोलित। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कि इसका सही आंसर क्या है हमारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी के गर्भ में गुमदाकार आग्नेय चट्टान पाई जाती है उन्हें हम बियोलित के नाम से जानते हैं। किस नाम से जान सकते हैं? बियोलित नाम से। तो इसका ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है, क्या? बियोलित। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, इसको जल्दी से रीड कीजिए और कमेंट में इसका आंसर बताइए। जो शैल शेष अन्य से भिन्न है वह क्या कहलाते हैं? जो चट्टानें अन्य चट्टानों से भिन्न हैं वो क्या कहलाती हैं? फर्स्ट ऑप्शन है क्वार्ट्जाइट चट्टानें, सेकेंड ऑप्शन है ग्रेनाइट चट्टानें, थर्ड ऑप्शन है नीस चट्टानें, पूर्व ऑप्शन है संगमरमर चट्टानें। तो जल्दी से इसका कमेंट में आंसर बताइए कि जो शैल शेष अन्य से भिन्न है वो क्या कहलाती हैं? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, क्या कहलाती हैं? क्वार्ट्जाइट चट्टानें कहलाती हैं। तो इसका ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है कि जो शैल शेष अन्य से भिन्न है वो क्वार्ट्जाइट चट्टानें हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
मोहे स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? जो मोहे स्केल होती है उसमें से सबसे निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है आकाशीय पिंडों की दूरियां, सेकंड ऑप्शन है बहते हुए जल की गति, थर्ड ऑप्शन है वायुयान एवं जलयानों की गति, और फोर्थ ऑप्शन है चट्टानों की कठोरता। तो जल्दी से इसका कमेंट में आंसर बताइए कि जो मोहे स्केल है उससे किसका मापन किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, किसकी? चट्टानों की कठोरता ज्ञात की मापन किया जाता है। किसका? चट्टानों की कठोरता का मापन किया जाता है मोहे स्केल से। क्वेश्चन आपके लिए ऐसे भी डेवलप हो सकता है कि चट्टानों की कठोरता किस यंत्र के द्वारा मापन किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा मोहे स्केल से चट्टानों की कठोरता का अध्ययन किया जाता है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, इसको जल्दी से रीड कीजिए और कमेंट में इसका आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? जो निर्माण की दृष्टि से है वो सबसे प्राचीन कौन सी चट्टान है? फर्स्ट चट्टान है आग्नेय चट्टान है, सेकेंड ऑप्शन है कायंत्र चट्टान है, थर्ड ऑप्शन है अवसादी चट्टान है, और फोर्थ ऑप्शन है अधिवितलीय चट्टान है। तो इसका आंसर जल्दी से बताइए कि निर्माण की दृष्टि से सबसे प्राचीन चट्टान कौन सी है। तो सबसे पहले हमारी कौन सी चट्टान का निर्माण हुआ था? तो सबसे पहले हमारी आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ था। जब हमारी ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था तब पृथ्वी हमारी बहुत ही तप्त अवस्था में थी। तो जब पृथ्वी में थोड़ा थोड़ा करके उसमें ठंडक हुई या वह ठंडी हुई तब हमारी आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ। तो सबसे प्राचीन चट्टान हमारी कौन सी है? तो सबसे प्राचीन चट्टान हमारी आग्नेय चट्टान है। तो इसका ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? आग्नेय चट्टान है, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि निर्माण की दृष्टि से निम्न में से सबसे प्राचीन चट्टान हमारी आग्नेय चट्टान है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, इसको जल्दी से रीड कीजिए और कमेंट में इसका आंसर बताइए। द्रव पदार्थों के घनीभूत को जाने से बनी चट्टानों को कहते हैं। जो द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है आग्नेय, सेकंड ऑप्शन है अवसादी, थर्ड ऑप्शन है रूपांतरित, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कि द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को हम क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टानें कहते हैं। इसका ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि द्रव पदार्थों के घनीभूत से उजाने से बनी चट्टानों को हम आग्नेय चट्टानें कहते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, इसको जल्दी से रीड कीजिए और कमेंट में इसका आंसर बताइए। पृथ्वी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। जो हमारी पृथ्वी है उस पर लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो कुछ खनिजों से ही चट्टानों की रचना होती है, और उन खनिजों की संख्या कितनी होती है? कुछ खनिजों से हमारी चट्टानों का निर्माण होता है, उन खनिजों की संख्या कितनी है? फर्स्ट ऑप्शन है 500, सेकेंड ऑप्शन है 20, थर्ड ऑप्शन है 150, और फोर्थ ऑप्शन है 10। तो जल्दी से इसका कमेंट में आंसर बताइए कि पृथ्वी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, और कुछ खनिजों से हमारी चट्टानों का निर्माण होता है, उन खनिजों की संख्या कितनी है? तो उन खनिजों की संख्या कितनी है? तो उन खनिजों की संख्या कितनी है? 20 उन खनिजों की संख्या है। तो इसका बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या है? 20 खनिजों से ही हमारी चट्टानों का निर्माण हुआ है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, इसको जल्दी से रीड कीजिए और कमेंट में इसका आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो शहरों या शहर ए 30 डिग्री नॉर्थ से 7 डिग्री ईस्ट और शहर बी 30 डिग्री नॉर्थ से 80 डिग्री ईस्ट के बीच कालांतर होता है, कितने मिनट का अंतर होता है? फर्स्ट ऑप्शन है 80 मिनट होगा, सेकंड ऑप्शन है 20 मिनट होगा, थर्ड ऑप्शन है 0 मिनट होगा, फोर्थ ऑप्शन है 34 मिनट होगा। एंड ए
2011 की परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दो शहर हैं, फर्स्ट शहर हमारा ए है और सेकंड शहर हमारा बी है। जो हमारा फर्स्ट शहर ए है वो 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री ईस्ट है, और बी शहर है वो 30 डिग्री नॉर्थ से 80 डिग्री ईस्ट है, तो उनके बीच का जो समय अंतराल है वो कितने मिनट का होगा? तो इसका सही आंसर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या 80 मिनट का होगा, ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इसको ऐसे भी रीड कर सकते हैं, जो हमारा ईस्ट और ईस्ट है तो इनके बीच का अंतर कितना है, 60 और 80 है तो इनके बीच का अंतर कितना है, तो इनके बीच का अंतर हमारा 20 है, 20 है, और 20 जब दो देशांतरों के मध्य दूरी कितने डिग्री का अंतर होता है, तो 4 डिग्री का अंतर होता है, कितने डिग्री का अंतर होता है, 4 डिग्री का अंतर होता है, तो हम 20 × 4 करेंगे, 20 × 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 80, तो 80 मिनट का होगा। तो आप लोग इसको ऐसे भी रीड कर सकते हैं, तो इसका ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या है ए इसका बिल्कुल सही आंसर है कि 80 मिनट का अंतर होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, इसको जल्दी से रीड कीजिए और कमेंट में इसका आंसर बताइए। एक ही वॉस राधे राधे मैम, राधे राधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके आपका कि जब ग्रीन बीच में मध्याह्न है एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे शाम के, और निम्नलिखित में से वह कौन सा यह मुंतर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है 75 डिग्री पूर्व, सेकंड ऑप्शन है 175 पश्चिम, थर्ड ऑप्शन है 150 डिग्री पूर्व, और फोर ऑप्शन है 150 डिग्री पश्चिम। UPSC 2008 की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब ग्रीन बीच में मध्याह्न एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे शाम का है, तो निम्नलिखित में से वह कौन सा यामंत्र है जिस पर उपरोक्त जगह स्थित है। तो इसका ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्या है वो 75 डिग्री पूर्व है ए इसका हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, इसको जल्दी से रीड कीजिए और कमेंट में इसका आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक में घड़ी का समय अन्य 3 नगरों की घड़ी के समयों के समान नहीं होता है। फर्स्ट ऑप्शन है लंदन UK, सेकेंड ऑप्शन है लिस्बन पुर्तगाल, थर्ड ऑप्शन है अदिस अबाबा इथोपिया, और फोर ऑप्शन है अक्रा घाना। UPSC 2007 की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक में घड़ी का समय अन्य 3 नगरों की घड़ी के समय के समान नहीं होता। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट में बताइए कि इसका सही आंसर क्या है हमारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, क्या ऑप्शन सी इसका हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्या है आदिस अबाबा इथोपिया है, उसका समय अंतराल इन तीनों देशों की अपेक्षा भिन्न है। और क्वेश्चन आपके लिए ऐसे भी डेवलप हो सकता है कि किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक घड़ी का समय किसी 3 घड़ी का समय एक घड़ी से भिन्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा आक्रा घाना, लंदन UK और लिस्बन पुर्तगाल, इन तीनों देशों का जो समय अंतराल है वो एक समान होता है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, इसको जल्दी से रीड कीजिए और कमेंट में इसका आंसर बताइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है। जो हमारा एक देशांतर है और सेकंड देशांतर है, तो दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच का क्या अंतर होगा, इनके बीच का जो अंतर है वो कितना होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 8 मिनट, सेकंड ऑप्शन है 4 मिनट, और थर्ड ऑप्शन है 2 मिनट, और फोर्थ ऑप्शन है 0 मिनट। RRB 2003 की परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच का क्या अंतर होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, क्या है 4 मिनट, 4 मिनट का अंतर होगा दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच। तो इसका बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है।
चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, इसको जल्दी से रीड कीजिए और कमेंट में इसका आंसर बताइए। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा है वो कहाँ से होकर गुजरती है? फर्स्ट ऑप्शन है 0 डिग्री से, सेकंड ऑप्शन है 180 डिग्री से, थर्ड ऑप्शन है 90 डिग्री से, फोर्थ ऑप्शन है 270 डिग्री से। RRB 2003 की परीक्षा में पूछे हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा है वो कहाँ से होकर गुजरती है। तो जल्दी से इसका कमेंट में आंसर बताइए कि इसका सही आंसर क्या है हमारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वह कहाँ से होकर गुजरती है? तो 180 डिग्री से होकर गुजरती है। इसका बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, इसको जल्दी से रीड कीजिए और कमेंट में इसका आंसर बताइए। यदि दो स्थानों के बीच समय में अंतर 2 घंटे 20 मिनट है तो देशांतर में अंतर क्या होगा? यदि दो स्थानों के बीच का अंतर 2 घंटे 20 मिनट है, 2 घंटे 20 मिनट है तो देशांतर में अंतर होगा। दो देशांतरों के बीच अंतर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है 45 डिग्री, सेकंड ऑप्शन है 30 डिग्री, थर्ड ऑप्शन है 40 डिग्री और फोर्थ ऑप्शन है 35 डिग्री। RRB 2003 की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि दो स्थानों के बीच समय का अंतर 2 घंटे 20 मिनट है तो देशांतर में अंतर होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है कि यदि दो स्थानों के बीच समय का अंतर 2 घंटे 20 मिनट होगा तो उसके देशांतरों में अंतर 35 डिग्री का होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, इसको जल्दी से रीड कीजिए और कमेंट में इसका आंसर बताइए। सॉरी, ये तो हमारा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीनविच किस देश में है? जो हमारे ग्रीनविच रेखा है वो किस देश में है? फर्स्ट ऑप्शन है USA में, सेकेंड ऑप्शन है UK में, थर्ड ऑप्शन है हॉलैंड में, फोर्थ ऑप्शन है भारत में। RRB 2003 की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रीनविच रेखा किस देश में है। तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताइए कि इसका सही आंसर क्या है हमारा। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। हमारी ग्रीनविच रेखा कहाँ स्थित है? तो यूके में। कहाँ है? यूके में हमारी ग्रीनविच रेखा स्थित है। तो इसका बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, इसको जल्दी से रीड कीजिए और कमेंट में इसका आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? फर्स्ट ऑप्शन है यह एक काल्पनिक रेखा है, सेकंड ऑप्शन है बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है, थर्ड ऑप्शन है 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है, फोर्थ ऑप्शन है न्यूजीलैंड एवं फिजी द्वीप समूह को एक साथ रखने के लिए दक्षिणी प्रशांत महासागर में यह रेखा पूर्व की ओर मोड़ी गई है। तो जल्दी से इसका कमेंट में आंसर बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका सही आंसर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या है इसका? सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है कि 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है। क्या है इसका सही आंसर? कि 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है वो पश्चिम की ओर मोड़ी गई है। तो इसका एक असत्य कथन है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, इसको जल्दी से रीड कीजिए और इसका कमेंट में आंसर जरूर बताइए। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है अतः यह स्थित है। काहिरा हमारे मिस्र की राजधानी है। किसकी है? काहिरा मिस्र की राजधानी है। और काहिरा हमारा कहाँ पड़ता है? किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? तो काहिरा हमारा अफ्रीका के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? काहिरा अफ्रीका के अंतर्गत आता है जो कि मिस्र की राजधानी है। काहिरा का समय ग्रीनविच रेखा 2 घंटा आगे है अतः स्थित है। 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर,
सेकेंड ऑप्शन है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, थर्ड ऑप्शन है 28 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर और फोर्थ ऑप्शन है 28 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। बीपीएससी 2011 की परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कायरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे आते यह स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 30 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? 30 डिग्री पूर्वी देशांतर इसका बिल्कुल सही आंसर है हमारा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, इसको जल्दी से रीड कीजिए, कमेंट में इसका आंसर बताइए। यदि भारत में दोपहर 12 बजे का समय है तो उसी दिन किसी अमूंतर में सुबह के 7 बजे होंगे। फर्स्ट ऑप्शन है 7.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, सेकेंड ऑप्शन है 7.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर, थर्ड ऑप्शन है 75 डिग्री पूर्वी देशांतर, फोर्थ ऑप्शन है 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर। एनडीए 2021 की परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि भारत में दोपहर 12 बजे का समय है तो उसी दिन किस यामांतर में सुबह के 7 बजेंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। इसका ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। क्या है? 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर यदि भारत में दोपहर के 12 बजेंगे तो उसी दिन सुबह के 7 बजेंगे। किस पर बजेंगे? 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, इसको जल्दी से रीड कीजिए और इसका कमेंट में आंसर बताइए। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा गया है? जो हमारी चट्टानें हैं 3 प्रकार की, उनमें से कौन सी चट्टान को प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा गया है? फर्स्ट ऑप्शन है आग्नेय चट्टान है, सेकेंड ऑप्शन है अवसादी चट्टान है, थर्ड ऑप्शन है रूपांतरित चट्टान है, फोर्थ ऑप्शन है अंतर्वेदी चट्टान है। तो जल्दी से इसका कमेंट में आंसर बताइए कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, आग्नेय चट्टानों को प्रथम श्रेणी में रखा गया है। आग्नेय चट्टानों को प्रथम श्रेणी की चट्टानों में रखा गया है, इसका ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, इसको जल्दी से रीड कीजिए और इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइए। आग्नेय शैल कहलाते हैं, जो हमारी आग्नेय चट्टान है वह क्या कहलाती है? फर्स्ट ऑप्शन है कठोर शैल, सेकंड ऑप्शन है मौलिक शैल, थर्ड ऑप्शन है गौड शैल, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका कमेंट में आंसर बताइए कि आग्नेय शैल है वो क्या कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा मौलिक शैल। आग्नेय चट्टानें हमारी क्या कहलाती है? तो आग्नेय चट्टानें हमारी मौलिक सेल कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? आग्नेय चट्टानें हमारी मौलिक सेल कहलाती हैं। क्वेश्चन आपके लिए ऐसे भी डेवलप हो सकता है कि मौलिक सेल कौन सी चट्टानें हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा आग्नेय चट्टानें। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, इसको जल्दी से रीड कीजिए और कमेंट में इसका आंसर बताइए। आग्नेय चट्टानें बनती है, जो आग्नेय चट्टानें हैं वो हमारी किस प्रकार से बनती है? फर्स्ट ऑप्शन है गर्म लावा के ठंडे होने से, सेकंड ऑप्शन है पर्वतों के गिरने से, थर्ड ऑप्शन है भूकंप से और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट में इसका आंसर बताइए कि आग्नेय चट्टानें वो बनती हैं। संजय रावत, ए संजय रावत, राधे राधे, राधे राधे भैया, ए ए इसका हमारा बिल्कुल सही आंसर है। क्या है? आग्नेय चट्टानें गर्म लावा के ठंडे होने से बनती हैं। जो आग्नेय चट्टानें हैं वो हमारी किससे बनती है? तो गर्म लावा के ठंडे होने से बनती है। किससे बनती है? गर्म लावा के ठंडे होने से बनती है। तो ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, इसको जल्दी से रीड कीजिए और कमेंट में इसका आंसर बताइए। ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? जो हमारी ग्रेनाइट है उसकी गणना की जाती है किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है आग्नेय चट्टानें, सेकंड ऑप्शन है कायांतरित चट्टानें, थर्ड ऑप्शन है अवसादी चट्टानें, फोर्थ ऑप्शन है अधिवितलीय या प्लूटोनिक चट्टानें। तो जल्दी से इसका कमेंट में आंसर बताइए कि ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है।
राम शर्मा ए, राम शर्मा, राधे राधे दीदी, राधे राधे भैया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, अवसादी चट्टान है। जो ग्रेनाइट चट्टान है वो हमारी किस प्रकार की चट्टान है, तो वो हमारी अवसादी चट्टान है। तो इसका बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। विदा विद बिक्सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसने भी विदा विद बिक्सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और सभी लोग सेशन को लाइक कर लीजिए और लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, साथ ही अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।